से आज कुछ पूछने आया हूं भगवान, मैं तुमसे आज कुछ पूछने आया हूं। क्या मेरे सवालों के तुम जवाब दोगे? ये औरत के मर्यादा के नाम पर तुम्हारे चरणों में किसी बेगुनाह का दिल किसने रखा? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम इस भेंट को स्वीकार कर सकते हो जिस पर उसी अनाथ के अरमानों का खून लगा हो जिसने तुम्हारी छाया में जन्म लिया, जिसने प्रेम को ही अपना धर्म समझा, जिसने अपने दुख और तकलीफों को अपने परीक्षा के अंगार समझकर अपना सब कुछ चला दिया? मैं हूं वो बदबख्त, वो बदबख्त मैं हूं जिसकी आत्मा एक निशाचर की तरह इन खंडरों में भटकती है। वो दिन रात इन दीवारों से टकराती है, उसे किसी करवट एक पल चैन नहीं मिलता। और ये मोहब्बत के गुनाहगार सुख के नींद सोते हैं, ये सुख के नींद सोते हैं, दिन रात खुशियों से खेलते हैं और तुम्हारे चरणों के आगे आकर पवित्रता का ढोंग रचाते हैं। क्या तुम इन पाखंडियों को माफ कर दोगे? क्या इन पाखंडियों को तुम माफ कर दोगे? क्या इन पाखंडियों को अपने शरण में जगह दोगे? अरे औरत को तो तुमने दया और धर्म की मूर्ति बनाकर इस धरती पर भेजा था, उनकी सांसों में शक्ति दी थी, उनके सीने में दया और ममता भर दी थी। फिर तुमने ये कौन सा मनहूस रूप बनाया है औरत का, इसमें न दया है, न धर्म है, न ममता है, न वफा है। मैं पूछता हूं, ये कौन है? ये कौन है जो धरती की लाज बनकर इस जमी पे आई थी और आज एक कलंक बनकर तुम्हारे चरणों के आगे खड़ी है? मैं कहता हूं, धिक्कार दो इस विश्वासघातनी को, इसे धरती के उसी कोने में भेज दो जहां धरती के वहशी दरिंदे रहते हैं, जहां इंसानियत खुद अपनी लाश पर मातम मनाती है। मैं कहता हूं, कह दो इसे यहां से जाने को। मैं कहता हूं, कह दो इसे यहां से जाने को। क्या क्या कहते हो कि मैं इसे माफ कर दूं? हरगिज नहीं। इसे मुझसे वही मिलेगा जो आज तक इसने इस दुनिया को दिया है। ये रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, तड़पेगी, तन्हाई में अपने मौत का भीख मांगेगी और इसकी आत्मा इसे चैन से मरने नहीं देगी। और मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा भगवान, मैं इसे चैन से जीने नहीं।